बीएससी पार्ट थर्ड की आज की फिजिक्स के क्लास में हमारा टॉपिक है ब्लॉक प्रमेय की उत्पत्ति। ब्लॉक प्रमेय हम पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लासों में। अब हम ब्लॉक प्रमेय कैसे उत्पन्न हुई उसके प्रूफ पर हम जानकारी लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, वो आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिशील होता है। और हम मानकर के चल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैपिटल E है, और आवर्ती विभव क्षेत्र में विभव का जो मान है वो v के रूप में लेकर के चल रहे हैं। आवर्ती विभव से मैं जानकारी दे दूँ, ऐसा विभव जो एक निश्चित दूरी के बाद वापस पुनरावर्ती करता हो उस विभव को हम कहते हैं आवर्ती विभव। तो आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है वो एक श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है हमारे पास वो होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन वन। साई इज इक्वल टू साई एक्स हम यहाँ लेंगे। आवर्ती विभव क्षेत्र की बात करें तो वी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वी एक्स, यानी कि स्मॉल दूरी ए पर भी विभव क्या होगा, सेम होगा। माना किसी बिंदु कोई बिंदु ले रहे हैं, उस पर जो विभव का मान है वो है वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ वी एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे वी नॉट, तो हमारे पास डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई इज इक्वल टू जीरो। ये किसी बिंदु पर जिस पर जो कि विभव का मान वी नॉट है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ ये जो पद है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, इसे हम एक्स स्क्वायर के रूप में लेकर के चल रहे हैं, और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर की इस पद को जो है एक्स स्क्वायर के रूप में रख दिया, तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें फाइंड आउट होती है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये एक्स में एक द्विघात समीकरण है। एक्स में एक द्विघात समीकरण होने के कारण इसके दो स्वतंत्र हल हमें फाइंड आउट होते हैं। हम मान करके चल रहे हैं कि वो दो स्वतंत्र हल एफ एक्स और जी एक्स के रूप में हमारे पास मौजूद हैं। हम इस कंडीशन में इस इक्वेशन नंबर 3 यानी कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन नंबर 3 है उसका जो हल हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है साई एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ ए और बी, यहाँ पर जो हमें ए और बी दिखाई दे रहे हैं ये एक कांस्टेंट टर्म्स होती है, कांस्टेंट पद हैं। इसी प्रकार हम एक्स प्लस ए यानी कि स्मॉल दूरी ए पर बात करते हैं, साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस ए प्लस बी जी एक्स प्लस ए के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 5 फाइंड आउट होती है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ ए और बी जो कि कांस्टेंट है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ, एफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू अल्फा 1 एफ एक्स प्लस अल्फा 2 जी एक्स, और जी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बीटा 1 एफ एक्स प्लस बीटा 2 जी एक्स के रूप में है। समीकरण जो 5 हमें फाइंड आउट हुई थी, इस इक्वेशन नंबर 5 में हम यहाँ वैल्यू रखेंगे एफ एक्स प्लस ए और जी एक्स प्लस ए की। तो वैल्यू रखने पर हमें ये टर्म फाइंड आउट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ए अल्फा 1 एफ एक्स प्लस ए अल्फा 2 जी एक्स प्लस बी बीटा 1 एफ एक्स प्लस बी बीटा 2 जी एक्स। ये इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। अब ये जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट हुई, यहाँ हम ए के पदों को एफ एक्स के पदों को अलग और जी एक्स के पदों को सेपरेट करेंगे। सो साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ ए है, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, तो यहाँ से एफ एक्स को हम कॉमन लेंगे
तो ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन एफ एक्स प्लस यहाँ जी एक्स को कॉमन लेंगे, सो ए अल्फा वन प्लस बी बीटा टू जी एक्स, ये इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हमें फाइंड आउट होती है। इक्वेशन नंबर 6 के बाद हम देखते हैं कि जो साई एक्स प्लस ए और साई एक्स ए उन दोनों के बीच एक संबंध होता है, तो हम उसके उस संबंध को देखते हैं। माना साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लेमड़ा साई एक्स, ऐसा हम एक रिलेशन लेकर के चल रहे हैं और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। यहाँ लेमड़ा परिष्कृत नियतांक होता है। यहाँ जो लेमड़ा है वो परिष्कृत नियतांक होता है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जो है तो हमने जैसा कि यहाँ इक्वेशन को लेमड़ा साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लेमड़ा साई एक्स के रूप में हमने इक्वेशन नंबर 7 ली, लेमड़ा परिष्कृत नियतांक होता है। सो साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लेमड़ा, यहाँ साई एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम, ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं। साई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू है तो इसे रखेंगे, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ हम इस वैल्यू को रखेंगे, ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन एफ एक्स प्लस ए अल्फा वन प्लस बी बीटा टू जी एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स के रूप में। अब हम इस पूरे इक्वेशन को जो है हम तुलनात्मक रूप से रखेंगे कि इस इक्वेशन में एफ एक्स और जी एक्स के जो पद हैं इनकी तुलना करते हैं। समीकरण 9 से एफ एक्स व जी एक्स के पदों की तुलना करने पर तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हमें जो पद यहाँ फाइंड आउट होंगे वो इस तरह से रहेंगे। देखिए, ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन इज इक्वल टू, वो होगा एफ एक्स के पद की जब तुलना करेंगे वो होगा लेमड़ा ए के बराबर, तो ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन इज इक्वल टू वो होगा लेमड़ा ए के बराबर। इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हम ए को कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन आने पर हमारे पास अल्फा माइनस लेमड़ा
अल्फा वन माइनस लेमडा और कॉमन आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी बीटा वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन टेन। और इसी तरह से जी एक्स के पद की तुलना करते हैं, ए अल्फा वन प्लस बी बीटा टू, ए अल्फा वन यहाँ अल्फा टू आएगा, यहाँ अल्फा टू आएगा, ए अल्फा टू बीटा टू। तो यहाँ हमें थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना है, यहाँ अल्फा टू हमें पुट करना है, अल्फा टू बी प्लस बी बीटा टू इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा यहाँ से जब जी एक्स की तुलना करेंगे तो लेमड़ा बी के बराबर। तो यहाँ से बी को कॉमन लेंगे तो ए अल्फा टू प्लस यहाँ बी कॉमन आएगा तो बीटा टू माइनस लेमड़ा, बीटा टू माइनस लेमड़ा और बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 11, ये हमें दो इक्वेशन फाइंड आउट होते हैं। अब देखो यहाँ हम जो इक्वेशन मिले हमें, सबसे फर्स्ट इक्वेशन मिला इक्वेशन नंबर 10 और जो इक्वेशन नंबर 11 मिला, इन दोनों इक्वेशन को हम जो है सारणिक रूप में जमाते हैं। तो सारणिक रूप में ये इक्वेशन हमें निम्न तरह से हमें फाइंड आउट होंगे। सारणिक रूप में समीकरण 10 व 11 के सारणिक रूप से, तो हम उन्हें सारणिक फॉर्म में जमाते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास अल्फा वन माइनस लेमड़ा, अल्फा वन माइनस लेमड़ा, अल्फा वन माइनस लेमड़ा और बीटा वन, बीटा वन। और दूसरा है अल्फा टू बीटा टू माइनस लेमड़ा, बीटा टू माइनस लेमड़ा, अल्फा टू बीटा टू माइनस लेमड़ा, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमें जो है ये जो है सारणिक हमें फाइंड आउट होता है। इस सारणिक को हम जो है सॉल्व करते हैं और इस सारणिक से जो है हमें कुछ परिमित हल प्राप्त होंगे। तो हम इस सारणिक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, अल्फा वन माइनस लेमड़ा, बीटा वन, अल्फा टू बीटा टू माइनस लेमड़ा, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा वन माइनस लेमड़ा, बीटा टू माइनस लेमड़ा, माइनस अल्फा टू बीटा वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इनको मल्टीप्लाई करें तो अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा वन लेमड़ा माइनस लेमड़ा अल्फा वन माइनस यहाँ लेमड़ा बीटा टू, लेमड़ा बीटा टू माइनस माइनस प्लस लेमड़ा स्क्वायर माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। अब यहाँ से हम सबसे पहले लेमड़ा स्क्वायर को लेते हैं, लेमड़ा स्क्वायर, फिर लेमड़ा स्क्वायर के बाद लेमड़ा का पद यहाँ आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से माइनस लेमड़ा को हम कॉमन लेते हैं, माइनस लेमड़ा, और माइनस लेमड़ा कॉमन लेने पर अल्फा वन प्लस बीटा टू, अल्फा वन प्लस बीटा टू
और यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमें जो पद मिलेगा वो मिलेगा अल्फा वन बीटा टू प्लस अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन इज इक्वल टू ज़ीरो के रूप में हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। यहाँ हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं, ये इक्वेशन लेमड़ा में द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्राप्त होती है। लेमड़ा में द्विघात समीकरण है तो यहाँ इस द्विघात समीकरण के हमें दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे। दो सॉल्यूशंस हम मान करके चलते हैं, वो सॉल्यूशन है लेमड़ा वन व लेमड़ा टू। यहाँ जो हमें ये कांस्टेंट टर्म मिल रही है, ये जो टर्म है, ये टर्म जो विशिष्ट क्रिस्टल होते हैं उन विशिष्ट क्रिस्टलों के लिए ये इक्वेशन एक के बराबर होती है। जो विशिष्ट क्रिस्टलों की हम बात करते हैं तो यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म है ये एक के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होगी, डेली लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा अल्फा वन प्लस बीटा टू प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो के रूप में फाइंड आउट होगी। अब इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इसके दो हल हमें फाइंड आउट होते हैं। तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम इसको ओपन करते हैं तो लेमड़ा इज इक्वल टू माइनस का बी, तो ये यहाँ ए की वैल्यू वन है, यहाँ बी की वैल्यू माइनस का अल्फा वन प्लस बीटा टू है, और सी की बात करें तो वो सी की वैल्यू है हमारे पास वन। तो यहाँ माइनस बी, तो अल्फा वन प्लस बीटा टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की बात करें तो बी की वैल्यू हमारे पास ये रही अल्फा वन प्लस बीटा टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर अपॉन टू ए सो टू। सो यहाँ हम लेमड़ा वन लेकर के चल रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू को, अल्फा वन प्लस बीटा टू प्लस अंडर रूट अल्फा वन प्लस बीटा टू का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई टू, और लेमड़ा टू के रूप में हम लेकर के चलेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यू को, अंडर रूट अल्फा वन प्लस बीटा टू का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई टू। ये हमने इसके लेमड़ा के दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। अब ये जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए, एक प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में, तो यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण में जब हम जो हमारे को दो सॉल्यूशंस मिलते हैं उन दोनों सॉल्यूशंस का यदि हम योग करते हैं तो योग करने पर हम देखते हैं वहाँ दो गुणांक ले, दो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, जैसे अल्फा और बीटा मिलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए इस तरह से मिलता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इस तरह से उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होता है। तो यहाँ हमारे पास जो लेमड़ा की द्विघात समीकरण है, यहाँ लेमड़ा की द्विघात समीकरण में हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेमड़ा वन और लेमड़ा टू। तो हम बात करते हैं लेमड़ा वन प्लस लेमड़ा टू की। सो लेमड़ा वन प्लस लेमड़ा टू, तो माइनस बी अपोन ए की कंडीशन में हम देखें तो सॉरी माइनस का सी अपोन ए, तो माइनस का सी, सी की वैल्यू है वन और ए की वैल्यू भी है वन। तो यहाँ लेमड़ा वन प्लस लेमड़ा टू की वैल्यू आएगी हमारे पास वन। लेमड़ा वन प्लस लेमड़ा टू की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, वन लेमड़ा वन प्लस लेमड़ा टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सॉरी, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अल्फा वन प्लस बीटा टू है। सो इसको हम करेक्ट करते हैं, हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी अल्फा वन प्लस बीटा टू, और लेमड़ा वन लेमड़ा टू की बात करें तो वो वैल्यू होगी हमारे पास बी सी अपॉन ए के रूप में, तो सी की वैल्यू वन, ए की वैल्यू वन। हमें जो है लेमड़ा वन प्लस लेमड़ा टू इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस बीटा टू वैल्यू मिलती है, लेमड़ा वन लेमड़ा टू इज इक्वल टू
वन वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे दो केस पर। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस वन। केस वन में हम देखेंगे लेस देन की कंडीशन की अल्फा वन प्लस बीटा टू का होल स्क्वायर इज लेस देन टू फोर की कंडीशन हो। लेस देन टू फोर होगा तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेस देन टू फोर की कंडीशन में जो हमें हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू है वो माइनस में प्राप्त होगी, माइनस में मिलेगी। तो हमें यहाँ सम्मिश्र संख्या के रूप में सॉल्यूशंस मिलेंगे और सॉल्यूशंस होंगे वो इस तरह से होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स के रूप में। यानी कि यहाँ हमें दो सॉल्यूशन प्लस में एक माइनस में और आयोटा की कंडीशन में मिलेंगे। और x इज इक्वल टू हम एक ही पोजीशन में लें तो x इज इक्वल टू a यहाँ हम रख सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें लेमड़ा के दो हल सम्मिश्र राशि के रूप में मिलेंगे, लेमड़ा वन इज इक्वल टू e की पावर प्लस आयोटा के a और लेमड़ा टू इज इक्वल टू e की पावर माइनस आयोटा के a के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। अब इस लेमड़ा की वैल्यू को हम रखते हैं हमारी इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट हुई थी, साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लेमड़ा साई एक्स में, यानी कि इक्वेशन नंबर सेवन में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। सो समीकरण सात में मान रखने पर साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के ए साई एक्स, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी और यही वैल्यू कहलाती है आपके ब्लॉक प्रमेय, यानी कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए जो ब्लॉक थ्योरम होगी वो क्या होगी, ये होगी। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट केस पर, जहां हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी ग्रेटर देन की कंडीशन में, उस पर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थी आपके ब्लॉक प्रमेय की व्युत्पत्ति कि ब्लॉक प्रमेय कैसे उत्पन्न होगी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पाँच नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आधे नंबर में आप लोगों से जो है डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी पूछा जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसका नेक्स्ट केस। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।